बोटनिकल नेम, तो बोटनिकल है ब्रेसिका ओलेरेसिया, किस्म है वो कैपिटाटा, यानी कि पत्ता गोभी का नाम है कैपिटाटा। बाकी ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म, यानी कि ये तो तीनों गोभी के अंदर आता है, और कुल है वो क्रूसीफेरी है। उत्पत्ति स्थल है वो मध्य सागरीय क्षेत्र है, और गुणसूत्र की संख्या है वो 2n = 22 है। और खाने वाला भाग होता है उसको हेड कहते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है पत्ता गोभी का उसको हेड कहते हैं। जो उसके बाद है कच्ची पत्ता गोभी का में तीखापन होता है वो किस वजह से होता है, तो वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। यानी कि जो कच्ची पत्ता गोभी होती है उसमें, उसके अंदर जो तीखापन होता है वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। और पकी हुई पत्ता गोभी में तीखापन है वो, यानी पहले तो कच्ची का बता दिया, अभी पकी हुई का है वो, तो पकी हुई का होगा डाई मिथाइल डाई सल्फाइड, इसके अंदर तीखापन होगा। उपयुक्त तापक्रम है वो 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उपयुक्त तापक्रम रहता है। प्रतिदीप्ति कालिता के आधार पर यह दीर्घ दिवसीय प्रभावी पौधा है। और पृथक्करण दूरी है वो आधार बीज और प्रमाणित बीज, यानी कि बेस सीड और सर्टिफाइड सीड। तो बेस सीड है वो 1000 मीटर, और सर्टिफाइड सीड है वो 500 मीटर पे होता है। उसके बाद में लैंगिक रूप, तो लैंगिक रूप है वो स्पोरोफाइटिक, यानी कि स्वयं अनिषेचकता पाई जाती है। और उपयुक्त मृदा पीएच है वो 6 से 6.8 पाया जाता है। और इसमें जो जलमांग है वो अधिक आवश्यकता होती है, यानी कि पत्ता गोभी में जलमांग है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई आवश्यक होती है, यानी 800 से 900 mm की जरूरत होती है। सौंदर्य है वो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है। और चूने की आवश्यकता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और पौध तैयार करने में समय तो 5 से 6 सप्ताह लगता है। और सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य, यानी कि भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो उड़ीसा है। और प्रकाश संश्लेषण के आधार पे ये सी3 प्लांट है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के आधार पे सी3 प्लांट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट में है नर्सरी की क्षेत्रफल, तो नर्सरी में क्षेत्रफल है वो 250 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि 250 वर्ग मीटर आवश्यक होता है पौध तैयार करने के लिए। भारत में पत्ता गोभी उत्पादन में स्थान है वो तीसरा स्थान है, यानी विश्व के अंदर तीसरा स्थान है। उसके बाद में नेक्स्ट में है पत्ता गोभी, यानी कि कुल सब्जी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पत्ता गोभी की बुआई की जाती है। दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, कुल सब्जी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पत्ता गोभी की बुआई की जाती है, तो 4% पत्ता गोभी की जाती है। आप लोगों को अच्छे से दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए, क्योंकि तो थोड़ी सी वीडियो, हाँ अभी ये हो गया, सही है, 4% हो गया। उसके बाद में फल का प्रकार है, वो फल का प्रकार है वो सिलिकुआ कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छी प्रकार से मेरे नोट्स के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको एक चीज़ बता दूँ, जो स्टूडेंट इसकी PDF लेना चाहते हैं वो कमेंट कीजिए, और मैं उनको ज़रूर PDF सेंड करूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करते हैं उनके लिए हर चीज़ उपलब्ध कराऊँगा, अगर हो सका तो ये PDF दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आगे है पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी गुण के कारण है, उनकी जो पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी का गुण के कारण है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, पत्ता गोभी है वो कैंसर प्रतिरोधी भी है, और उसमें जो गुण का कारण है वो इंडोल 3 कार्बेनोल है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें भी देख लेना आप अच्छी प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट में है पत्ता गोभी की पत्तियों में गंध है वो ग्लूकोसाइड सिनिग्रीन के कारण होता है। और फूल का प्रकार है वो प्रोटोगोन्स, यानी कि प्रोटोगोनस यानी स्त्री पुप्रो होता है। और सीड्रेट है वो अगेती और सामान्य की अलग अलग होती है, तो अगेती के लिए होता है 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ग्राम दिया हुआ है न कि केजी। और सामान्य के लिए होता है 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर की दर। उसके बाद है बुआई का समय, तो बुआई का समय अगेती मध्यम पचेती और पाड़ी, यानी कि चारों पार्टों में अलग अलग दिया गया है। तो अगेती के लिए है वो जुलाई अगस्त में बोई जाती है,
और मध्यम है वो सितंबर अक्टूबर सितंबर में बोई जाती है, चैती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में बोई जाती है। उसके बाद में है वेराइटीज, तो किस्में हैं अगेती किस्में, अगेती किस्में होगी पकने के समय के आधार पे, तो 60 से 65 से 75 दिन में पकती है ये। और इसकी किस्में हैं प्राइड ऑफ इंडिया, गोल किस्म, गोल्डन एकड़, अर्ली ड्रम एंट, और कोमेन हैंगन, और मार्केट एक्स्ट्रा, अर्ली एक्सप्रेस, पूसा संबंध, अगस्त। और मध्यम किस्में हैं 75 से 90 दिन में पकने वाली, उसकी है सितंबर, पूसा सिंथेटिक और विस्कोनिक्स, सॉरी विस्को सिन विस्को। उसके बाद में नेक्स्ट में 85 किस्म, तो 85 किस्म होगा इसके अंदर, 85 किस्म पूसा ड्रम हेड लेट, दोबारा से सुनिए, 85 किस्म है पूसा ड्रम हेड लेट फ्लैट, श्री गणेश गोल, इंडियन एल्किलिप्स, और ये किस्में हैं 100 से 120 दिन में पकने वाली। तो ये देख लीजिए अगेती होती है वो 60 से 75 दिन में पकती है, 65 से 75 दिन में, और मध्यम है 75 से 90, और जो पचेती है वो 100 से 150 दिन में। और नोट दिया है पूसा अगेती उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रथम किस्म है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि उच्च तापक्रम वाले प्रथम किस्म कौन सी है, तो वो पूसा अगेती है। और मैदानी क्षेत्रों में बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त किस्म है। उसके बाद में नेक्स्ट में है वर्ण सिलेक्शन के द्वारा ये किस्में तैयार की गई है, और पूसा संबंध, तो पूसा से संबंध है वो संघन, पौधरोपण, अगेती व संश्लेषित किस्में हैं, तो पूसा मुक्ता, और पूसा मुक्ता है वो संकर किस्म है जो काला विघटन रोग रोधी किस्में के प्रतिरोधी है। और उसके बाद है पूसा ड्रम हैंड जो संकर किस्म है, जापान की प्रथम किस्म है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जापान की प्रथम किस्म कौन सी है, तो वह पूसा ड्रम हैंड। उसके बाद में काला लेग व शुष्क विगलन रोग रोधी किस्म है, और उपज है यानी कि इल्ड है इसकी, इल्ड हो गई हमारी अगेती और पछेती की अलग अलग होती है, तो अगेती की हो गई 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हो गई, और पछेती होती है वो 350 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।